शादी के बाद एक लड़की की जिंदगी से कई रिश्ते जुड़ जाते हैं। एक पत्नी का रिश्ता, एक बहू का रिश्ता, एक भाभी का रिश्ता। इन सभी रिश्तों को जब लड़की संजोती है तभी तो वो एक आदर्श गृहिणी कहलाती है। अब तक आप सबने माया का गुरूर देखा था, उसका रुतबा देखा था, लेकिन शादी के बाद आप माया को एकदम बदला हुआ पाएंगे। माया एकदम बदली बदली नजर आएगी। ये माया का एक अलग रूप है जो मेरे लिए भी नया है। आई एम सरप्राइज दैट, वैसे एक्सपेक्टेड ये होता है कि माया वंदना के बिल्कुल फेस टू फेस होकर बैंग ऑन बातें करेगी। वो अचानक इतना बड़ा चेंज दैट मैं ऐसे घूम के देखती हूँ, सडनली समबडी इज एट माई फीट एंड दैट्स माया। सो दैट्स द होल आइडिया, चेंज ओवर टोटल। अपने प्यार की खुशी के लिए वो हर रिश्तों को अपनाएगी, उसे प्यार करेगी। देख लीजिए माया को, कैसे वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश कर रही है। और माया की इस नई जिंदगी में साथ देंगे बप्पा भी उसका। इस प्रोमो शूट में आपको साफ साफ नजर आएगा कि माया क्या कहने की कोशिश कर रही है, अर्जुन से नहीं बल्कि अपनी सासू माँ से। माया कितनी भी चेंज होने की कोशिश करे, इंसान का बेसिक नेचर तो चेंज नहीं होता। पर यही बात मैं कहीं बहुत सारे लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रही हूँ, फिर वो चाहे सांझ हो या चाहे अर्जुन हो या फॉर दैट मैटर आयान हो। मतलब मेरे घर के मेंबर्स वो चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं जो मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। पति का प्यार तो उसने पा ही लिया है, लेकिन उसे अपनी सासू माँ के दिल में जगह बनानी है। और इसके लिए वो सासू माँ के लिए एक आदर्शवादी बहू बनेगी। बहू तो बेचारी एक्चुअली बहुत ट्राई कर रही है कि सासू माँ आशीर्वाद दे दे, बट आई एम द एडमेंट वन दिस टाइम एंड I'm not going to give in easily. हाथों में पूजा की थाली, मांग में सिंदूर, लाल रंग की बनारसी साड़ी पहनकर एकदम घरेलू बहू बनेगी। सुबह सुबह अपने पति और देवर को पराठे बनाकर भी खिलाएगी। तो माया ने कुछ इस कदर अपनी गृहस्थी संभाल ली है। इतना सब करने के बाद, घर में सबके दिल में जगह बनाने के बाद, जब सबको ये पता चलेगा कि माया एक खूनी है, तब सोचिए क्या होगा। सारे रिश्ते जुड़ेंगे या टूट जाएंगे? माया, सबसे बड़ा सवाल तो आपके लिए यही होगा। मुंबई से वंदना शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।